नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं न्यू मीडिया क्रिएशन यूट्यूब चैनल और मैं हूं आशीष शुक्ला। और आज की इस वीडियो में हम कुछ फेक न्यूज से संबंधित बातें कर रहे हैं कि फेक न्यूज बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और इस अति के मामले में हो गई है। तो इसी सब बातों को लेकर हम इस वीडियो में लिख रहे हैं, तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि कृपया अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया ऐसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना मत भूलिएगा। तो आइए कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को। फ्रेंड्स, देखा जाए तो फेक न्यूज़ का सबसे बड़ा जरिया है व्हाट्सअप, और फेक न्यूज़ आज एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई है समाज में, और यह इतनी बड़ी हो गई है कि लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं और बहुत सारी चीज़ों को आज वायरल कर दी जाती है, यहाँ तक कि उसकी जांच पड़ताल भी नहीं की जाती है और ना ही कोई जरिया है इसका पड़ताल करने का। और ज़्यादातर मीडिया के जो सीनियर लोग हैं इससे चिंतित भी हैं और इस पर काम भी हो रहा है, और कुछ लोग अलग अलग शहरों में फेक न्यूज़ की चुनौतियों से निपटने के लिए कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं। और देखा जाए तो इस टेक्नोलॉजी पर कंपनियां जो हैं, फेसबुक, गूगल और व्हाट्सएप जो सोशल कंपनियां हैं, इनसे भी चर्चा की जा रही है। और आज की तारीख में फेक न्यूज़ को फैलाने का सबसे बड़ा जरिया बन गया वो व्हाट्सएप। और लोग व्हाट्सएप के जरिए सोशल मीडिया कंपनियां किस तरीके से फेक न्यूज़ को लेकर चुनौतियों का भी सामना कर रही हैं, और इससे पत्रकारों के सामने भी एक चुनौती आ गई है कि वे कैसे इसको, वो भी ठगे जाते हैं, वो भी कभी इसको सही मानकर खबर दे देते हैं। और यह देखा जाए तो यह एक चर्चा का विषय बना हुआ, क्योंकि कई बार क्या हुआ कि ब्रांड मीडिया संगठनों के नाम पर भी शब्दों का हेर फेर करके लोगों को ठगा गया है। और एक समय पर टेलीविज़न न्यूज़ चैनल को लेकर भी कहा जाता था कि ये सब भूत प्रेत की कहानियाँ दिखाते हैं, गाय उड़ाते हैं, लेकिन फेक न्यूज़ को फैलाने वाले मीडिया संगठनों की विश्वसनीयता तो खूब समझते ही हैं और इसके लिए इसे वायरल कहते हैं। लेकिन बहुत ही कम लोग होते हैं जो इसकी पुष्टि करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत लोग पुष्टि करते ही नहीं और बना के अंदाज में दे देते हैं, वहाँ से फॉरवर्ड हुई, यहाँ भी फॉरवर्ड। और इसलिए आज ये फेक न्यूज़ का दौर आ गया है और ये वेब पत्रकारिता के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, और ये सिर्फ पत्रकारों के लिए ही नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी के सामने भी बहुत बड़ी चुनौती बन गई है, जो कि समाज में अफवाह फैलाने के लिए भी है और समाज में बहुत बड़े कांड तक हो जाते हैं इस तरीके से, आप देखा होंगे। तीसरे सेंसेशनल जर्नलिज्म की हेडलाइन भी आज एक चुनौती बनी हुई है, यानी सेंसलेस पूरी बनी हुई है। और इस बीच यदि देखा जाए कि इसे सेंसेशनल जर्नलिज्म वाली हेडलाइन भी कहा जाता है, और आज इस एक चुनौती बनी हुई है, जैसे कि बीच सड़क पर क्या हुआ ऐसे लोग देखते रह गए, और इस तरह की हेडलाइन से आपको उकसाया जा रहा है और आप क्लिक करके देखें कि क्या हुआ, लेकिन कई बार आपको निराशा हाथ लगेगी, अरे ये तो सिर्फ एक ऐसे सिंपल सी बात थी। लेकिन ये सेंसेशनल जर्नलिज्म है, और एक समय पर टेलीविज़न न्यूज़ चैनल भी इस तरीके से दिखाया जाता था, और उस समय कहा जाता था कि ये सब भूत प्रेत की कहानियाँ दिखाते हैं, गाय उड़ा देते हैं। लेकिन धीरे धीरे समय बदलता गया और परिपक्वता आती गई, और यही परिपक्वता हम वेब पत्रकारिता में भी चाह रहे हैं, और धीरे धीरे यहाँ भी आएगी। और जब धीरे धीरे लोगों को इसकी वैल्यू समझ में आने लगेगी कि इस तरह की हेडलाइन सिर्फ आपको बांधे रखने के लिए है, तो वे मात्र 2 सेकंड ही खबर पर रुकेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि 2 सेकंड में ही पूरी खबर का सार पता लग जाएगा। लेकिन तथ्य वाली खबरें जिसमें पुख्ता चीज़ें होंगी, जानकारी बढ़ाने वाला कंटेंट होगा, तो शायद फिर पाठक 30 से 40 सेकंड तक पढ़ना चाहेंगे, और यह तब होगा जब आगे चलकर वेबसाइट को विज्ञापन के इस पर आधार मिल, मतलब विज्ञापन इस आधार पर मिलना मिलने लगेंगे कि आपकी खबरों पर लोग कितनी देर तक इंगेज करते हैं, कितनी देर तक रोकते हैं। तो फिर खबर पर लोगों को इंगेज समय जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, और फिर 1 से 2 मिनट तक होता जाएगा, और आने वाले समय में ये प्रवृत्तियाँ बदलती जाएंगी। जैसे गूगल ने भी अपने विज्ञापन पे अभी देख के रखा कि 3 सेकंड तक का वो टाइम दे रहा है, 3 सेकंड तक यदि आपने उस पेज को रोका है तो फिर वो अपने व्यू में उसको काउंट करता है इस तरीके से। तो इसी तरीके से वो अपना अपना पेमेंट देता है लोगों को। तो फ्रेंड्स, कैसे लगी आप लोगों को यह जानकारी, कृपया हमें कमेंट्स में शेयर करें और लिखें और बताएं, और साथ ही वीडियो को भी आप लाइक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, नमस्कार, और बने रहें न्यू मीडिया क्रिएशन यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करते समय बगल में घंटी के निशान बेल आइकन को भी टिक कर दीजिए ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके ईमेल आईडी पर पहुंच जाए। तो नमस्कार, धन्यवाद।